Subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भैया द फैक्ट में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम ला रहे हैं आपके सामने, डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मेन आश्रम से ला रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि आज लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों वो आ रहे हैं डेरा के अंदर। सर आपका नाम? राजकुमार मंजाला जी। सर आप कहाँ से आए हैं? सूरतगढ़ राजस्थान से। सर सूरतगढ़ राजस्थान से इतनी दूर से आप आए हैं, बाबा जी भी नहीं आए यहाँ पर, आखिर क्यों, आपकी क्या वजह है यहाँ आने की? जब से हम डेरे से जुड़े तब से हमें पता लगा बेइंसानियत क्या होती है। हमने बुराइयों को छोड़ा और अच्छाइयों के मार्ग पे हम चले, तो बाबा जी से जुड़ने के बाद, डेरा सच्चा सौदा के बाद जुड़ने के बाद हमें पता चला कि इंसानियत क्या चीज़ है, अच्छे काम कैसे किए जाते हैं, भलाई क्या चीज़ होती है। हमें तो पहले इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो इसलिए हमने वो भावना खींच के लाती है सर। से रक्तदान करना, गरीब बेटियों की शादी कराना, गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करना, मकान बना के देना, ऐसे अनगणित मानवता भलाई के 130 से भी ऊपर कार्य हैं जो कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जाते हैं, और साथ संगत मिलजुल के इस कामों को करती है। ये सब बाबा जी की अनुयायी, बाबा जी ने हमें इस रास्ते पर चलने का सिखाया है, तब ये साथ संगत करती है। क्या आप भी उन कार्यों को फॉलो करते हो? हाँ जी, हम भी उन कार्यों को फॉलो करते हैं। आज के समय में बाबा राम रहीम जी की समाज को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे सच्चे इंसानियत के मसीहा की, जिन्होंने ऊंच नीच का भेद मिटाया, सबको एक पंक्ति में बिठाया। यहाँ जाति पाति का कोई मजहब नहीं, मजहब है एक है सिर्फ इंसानियत का, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में प्रेम मोहब्बत से उनको सबको चलना सिखाया। तो बहुत ज़्यादा समाज को ज़रूरत है, समाज में जो बुराइयाँ फैल रही हैं उन बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने में जो बाबा जी के जो वचन हैं, बाबा जी उनको जो उनके जो फॉलोअर हमारे जैसे जो फॉलो करते हैं, बाबा जी की बहुत ज़रूरत है, हद से ज़्यादा ज़रूरत है सर। लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए, आप डेरा सच्चा सौदा में आइए। इनके इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं गिनीज़ बुक में, कि जो कि आज तक किसी भी संस्था के नहीं है। आप देखिए, पहले देखिए और फिर आप उसको बात को समझिए और फिर कोई अपने विचार प्रकट कीजिए।